हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ पोटैटो की सब्ज़ी, यानी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही चटपटी सी, स्पाइसी सी है, तीखी तीखी सी है, जिसे आप रोटी, पूरी, पराठे के साथ में खाएं और बहुत ही मज़ा आएगी। और बनने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं, बहुत ही आसान सी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी पैन, कढ़ाई लेना है और उसमें ऐड करना है ऑयल। मैंने ऑयल ऐड किया है मस्टर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकती हैं। ऑयल जैसे ही हीट हो जाता है ना, तो उसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही क्रैकल होता है तो फिर इसमें ऐड कर देना है आपको कलौंजी 1 टीस्पून। और इसके बाद मैंने ये लिए है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कर लिया था, इसे आपको ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में बस इसे सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अभी मैंने ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें रफली कट कर लिया है। और मैंने ना ये 4 हरी मिर्च ली थी। मिर्च ना आप अपने अकॉर्डिंगली, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो। और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1/2 स्पून मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, जिससे कि टोमेटो जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। नमक डालने से ना टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1 स्पून, 1/2 स्पून मैंने लिया है भुना ज़ीरा पाउडर, इसे भी आपको ऐड करना है, मिक्स कर देना है। और ये साथ ही साथ मैंने लिया है 1 स्पून मसाला, ये सब्ज़ी मसाला है, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। इसके पहले मैंने पोटैटो की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की, उसमें मैंने शेयर किया था कि कोई भी एक ऐसा मसाला जो आप बना लें, जो हर तरह की सब्ज़ी में आप ऐड कर सकते हैं, उस मसाले की रेसिपी मैंने शेयर की। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को विज़िट करें। और अगर वो नहीं है तो आप कोई भी मैगी मसाला या गरम मसाला ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पर। तो ये देखिए, बढ़िया सा मसाला भुंज गया, टमाटर भी टेंडर हो गए हैं। तो ये मैंने पोटैटो लिए थे, जिन्हें मैंने कट करके कुछ इस टाइप के स्लाइस में कर लिया था। पोटैटो डालना है, अच्छे से उसकी मिक्सिंग कर देना है। पोटैटो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मिक्स करने के बाद में आपको इसमें ऐड कर देना है वाटर। तो ये आप कप देख लीजिए कितना बड़ा है, तो बस इसी कप के अकॉर्डिंग आपको इसमें वाटर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे कवर करके कुक कर लेना है। पोटैटो देखिए टेंडर हो गए हैं परफेक्ट, और हल्की सी इसमें ग्रेवी है। तो अगर आप ड्राई चाहते हैं तो हाई फ्लेम करके इसे ड्राई करके कर लें तो सूखी सब्ज़ी हो जाएगी, और हल्की सी लिक्विडी पसंद है तो बस आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। थोड़ी सी मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स इस पर स्प्रिंकल कर दी हैं, और ये लीजिए मैंने इसे कर दिया है डिश आउट। तो देखिए बहुत बढ़िया सी ग्रेवी वाली, बहुत तीखी सी, चटपटी सी, स्पाइसी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, जो कि मुश्किल से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसे आप पूरी पराठे के साथ खाइए। और सब्ज़ी जैसी भी लगे फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और रेसिपी जैसी भी लगे फीडबैक मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके गाइज, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।